राजधानी रेडियो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी रेडियो। बनखेड़ी, बनखेड़ी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जूनापानी ढाना में व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इस पंचायत में नियुक्त सचिव जीवन लाल नागवंशी द्वारा पंचायत कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर आदिवासी अंचल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखकर लाखों के फर्जी बाड़े को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम छातेर में भोले भाले आदिवासियों को बहलाकर अन्य किसी बहाने से उनके बैंक खाते IDFC बैंक में खोले गए। इन खातों के ATM कार्ड और पासबुक भी संबंधित खाता धारकों के पास नहीं है। विगत करीब 3 वर्षों से कुल 21 खातों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है और सभी 21 खातों से ATM के माध्यम से पैसा निकाला गया है। गौरतलब है कि एक ही बैंक के इन खातों से पैसा निकाले जाने का तरीका एक होने के साथ सभी आहरण थोक में एक ही जगह से हुए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि हमारा खाता हमने IDFC बैंक में कभी नहीं खुलवाया और ना ही रोजगार गारंटी योजना में कोई मजदूरी की। इस पंचायत में तालाब निर्माण भी मशीनों द्वारा ही किए गए। वहीं तालाब निर्माण में मजदूरी का भुगतान इन बैंकों के बैंक खातों में किया गया। ग्राम पंचायत सचिव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बटोबाई और सहायिका चंद्रवती बाई के खातों में मजदूरी राशि का भुगतान कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बटोबाई का कहना है कि मैंने कभी रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी नहीं की, मेरा नाम मास्टर रोल में कैसे आया मुझे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका चंद्रवती बाई के खाते में लगभग 42 मास्टर रोल पर मजदूरी के एवज में IDFC बैंक के खाते में लगभग 44,000 रुपये का भुगतान हुआ है। चंद्रवती बाई का कहना है कि मैंने IDFC बैंक में कोई खाता नहीं खोला है। लगभग 3 वर्ष पूर्व सचिव जीवन नागवंशी मुझे विधवा पेंशन दिलवाने का लालच देकर बनखेड़ी में अस्पताल रोड पर एक कंप्यूटर की दुकान पर ले गया था, जहां मशीन पर मेरा अंगूठा लगवाया था। करने का क्या आप लोग? वहाँ तालाब बना है क्या? तालाब बना है? किस चीज से बना है तालाब? मजदूर मशीन से। किस चीज बना है? नाम कहा है आपको? प्रकाश। पिताजी को? दिया। कहाँ ग्रेप वाले? छातेर। ग्राम पंचायत कौन सी? जूनावानी। अच्छा, रोजगार गारंटी मजदूरी करी आपने? नहीं करी जी। और IDFC बैंक में खाता है? IDFC बैंक में कोई ATM कछु नहीं? कहूँ अंगूठा लगवा भी लेगा सचिव आप? नहीं जी, वे तो बैंक ही ले गए। कौन सी बैंक? जी मेडिकल पास में एक दान गए हैं जी। चरक मेडिकल पास जी। अच्छा। दो बार जी जब बैंक पास में बाहर बैठ। आपके नाम 32,000 रुपए मजदूरी निकली है जी। आप है जानकारी? नहीं हाँ जी। तो ये आपको कौन ले गया था अंगूठा लगवाने के लिए? ये सचिव तो नाम नहीं यार, जीवन जी। जीवन पहचान लेते हो जी? अच्छा, कब लेगा थे ये आपको? कितनी बार लेगा थे? 3 बार जी। तो वहाँ पे आपको पैसे दिए थे उन्होंने जी? कितने कितने रुपए दिए थे? 400 रुपये एक बार, 1 बार 300, 1 बार 100 रुपये। तो उन्होंने निकाले कितने थे वहाँ से? भी पता नहीं है जी कितने निकाले उन्होंने। तो आप कौन 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 सी कैसे निकाले जी? 400, 300, 100? दो बार जो बैंक बाहर बैठ। कौन सी बैंक? पंजाब बैंक। पंजाब बैंक। अच्छा, इधर। और एक बार मेडिकल बारी बैंक से। तुम्हारे का पंजाब बैंक में खाता है? नहीं है जी। अच्छा, तो आपने उनसे पूछे थे जी कहा कि पैसे अंगूठा लगवा रहा है, क्यों पैसे? ये तो जी जा पूछ रहा है कि ना मैं रोड पैसे डरवा भाई आपके खाते में कितने भी पैसे निकाल रहा हूँ। तो रोड में आपने मजदूरी करी है क्या? नहीं करी जी। अच्छा, और कोई खेतों में? नहीं। खेत तालाब में कछु में? नहीं। पौधारोपण में? नहीं। आपने जो हमको भी जानकारी दी है किसी के दबाव में दी है आपने? नहीं। डर के धमकी दी? नहीं। दी है क्या? नहीं। डर दबाव में तो नहीं? नहीं है जी। ये बात कहीं आपको अधिकारी वगैरह कोई पूछेगा तो आप ये बात स्वीकार करोगे? नहीं करेंगे कि आपको जीवन ने बैंक ले गया था और पैसे निकलवाए? सही बात है ये? हाँ, बताएंगे। पति का नाम क्या है? गुरलाल। गुरलाल, क्या करती हो नगर आंगनबाड़ी में? सहायिका। सहायिका हो? आपने मनरेगा में काम किया है क्या? कुछ नहीं कर रहा मैंने, जब से जो आंगनबाड़ी कर रही है बने हाल बने हाल कुछ नहीं। आंगनबाड़ी में कब से हो? 20-25 साल हुए, जब 2-250 रुपये मिल रहे थे जब से। IDFC बैंक में खाता है आपको? नहीं है। IDFC बैंक या कोई कहीं अंगूठा अंगूठा लगाओ तो कोई ने लगवाओ तो अंगूठा मशीन में सचिव ने या कोई ने लगा हो? सचिव ने मोए तई भर ले बहुत देखा हुआ है। कहां? रोड पे अस्पताल के पे। कौन जगह? सचिव को नाम का? सचिव को नाम का है जी। बैंक कौन सी जगह लगाओ तो अंगूठा लगवावे जी? बस अपन अस्पताल नहीं जा जी, बाजू है दुकान है।
क्या नाम है आपको? चंद्रा। तो वहाँ पे क्या क्या अंगूठा लगवाए थे? अंगूठे इधर लगवाए थे, कंप्यूटर में और क्या लग जाओ होगी कि इतना ही काम था समझे नहीं आ गए। तो तुमने पूछ नहीं का लगा? मैं पूछी थी मैंने काय काज कही। हाँ कही तुम जो विधवा पेंशन मिलल लागे कही। कौन से गांव के आंगनवाड़ी में हो आप? जई छातेर में। हां चंद्रवती भाई। तो फिर कितने दिन हो गए अंगूठा लगाया भाई? जी देखा पांच साल लगवा साल एक घूम होगा। अच्छा तो पेंशन मिल रही है आपको आने का? कुछ नहीं। तो जब आप विधवा हो और आंगनवाड़ी में हो तो आपको पेंशन मिल सकती है? विधवा पेंशन क्या नहीं मिले मैंने, लेकिन माँ ने बोली थी कि मैंने बोली। आपके नाम से पैसे निकले हैं, जानकारी है आपको? नहीं। आंगनवाड़ी में कब से कार्य करता हो आप? 96 साल से। अच्छा 2017-18 में नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी में कोई काम करो आपने आंगनबाड़ी वहाँ में रोजगार गारंटी में? हमने कभी नहीं किया है। पैसा आए खाते में कोई? नहीं आए। कौन सी बैंक में खाता है आपको? स्टेट। का नाम मातराम आपको? कौन सा भाई? आपके पति का नाम? रमेश। कहाँ की रहने वाली हो आप? गांव कौन सा हो आपको? छातेर। ग्राम पंचायत में कोई मजदूरी करी आपने? नहीं करे। अच्छा IDFC बैंक में खाता है आपको? नहीं है। कोई खाता नहीं है? कोई ग्राम पंचायत से कोई पैसा मिलो आप मजदूरी को? मनरेगा का काम हुआ तो मनरेगा में काम मजदूरों से कराया या कैसे कराया? नहीं साहब, हम तो ये कह रहे हैं मनरेगा का काम हमने अभी तक कोई मजदूरी नहीं की। अच्छा, जो भी मनरेगा का काम हुआ है इसमें आप हमारे कोई 50 रुपया दिन से भी नहीं पूछा क्या आप इस काम में? यहाँ जो तालाब या वो कुछ काम हुआ है तो वो कैसे हुआ? वो GVC से हुआ। तो आपने देखा है? जी। कितने दिन चला है काम? अब साहब बेनई से पूछो कितने दिन चला है काम। ना आपने देखा होगा तो कितने नहीं, दिन वो तो देखा है साहब, वैसे भी पूछो कितने मजदूर लगे कितना काम? नहीं JCB कितने दिन चली ये पूछ रहा हूँ। JCB कितने दिन चली है? अब JCB को पता नहीं साहब कितने दिन चली, मगर मजदूरों ने किसी ने काम नहीं किया। अवस्था ला मैं आया था जूनावानी ढाना में आज महिला बाल विकास की तरफ से, परंतु अभी पता लगा तो फिर चर्चा इनको बुलाया है जी। मुझे भी पता उसके बारे में पता चला था समाचार पर जी। और मजदूरों के खाते में पैसा चला गया और निकल गया ऐसा ऐसा कुछ? नहीं तो वो अब मैं उसकी जांच करवाऊंगा। अच्छा है ना, मैंने अभी संबंधित सरपंच DRS और सचिव को नोटिस दिया हूँ, नोटिस का जवाब आ जाए उसके बाद फिर यदि संतोषजनक नहीं है तो फिर एक जांच समिति बना देंगे। जांच समिति की जो भी जांच में आएगा उसके बाद ही। अभी सर आप मौके पे भी कुछ लोगों से मिले हैं, क्या समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टि? अब ये पूरा पता ही नहीं पा रहे हैं तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब पूरी जानकारी दें। अब वो जैसे वो बता रहे हैं कि मेरे को ले गए थे पत्रकार महोदय और उन्होंने कहा कि ये कोई कह रहे हैं कि राशि कहाँ से आई वो नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा है ना। बनखेड़ी से ओम प्रकाश रघुवंशी की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू।